हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन वाई फाई स्टडी बीसी पार्ट ऑफ अनकेडमी। चलिए तो आज धुआंधार बैटिंग करेंगे हम लोग, लाइव टेस्ट विथ एमसीक्यू। 100 MCQ आपके सामने देखने को मिलेगा और आज 100 MCQ में पता है बिल्कुल टाइमर चलेगा। आप लोग कहते थे ना सर टाइमर अब चलाते नहीं हो, पहले वाला फील नहीं आता है, तो विथ टाइमर चाहिए मुझे, तो विथ टाइमर चलेगा। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले बस एक आपसे रिक्वेस्ट कहें, जैसा लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके, बच्चे जुड़ सके। और आज 100 MCQ में बस उम्मीद करेंगे कि कम से कम, जब से पढ़ रहे हो, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, 70+ तो आनी चाहिए, 70+ तो आनी चाहिए, मानते हो? 70+ तो आनी चाहिए, नहीं? चलिए तो आज टाइमर के साथ और पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो सारे पीडीएफ के लिए। मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो? आप लोग बढ़िया हो? तो एक काम करना, अपने नोटबुक में 100 लिखते चलना, जो राइट होगा क्लिक करना, जो रॉन्ग होगा W लिखना, जो स्किप करोगे वो स्किप करना। इससे क्या होगा, एक पता चल जाएगा कि सर 100 questions में हमारे कितने सही थे, कितने गलत थे और मैंने कितना स्किप किया है, मैंने कितना स्किप किया है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जरा सा बस दिखा दो थंब कि सर वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। जरा टाइप कर दो सर, बिल्कुल टाइप कर दो सर, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। तो मैं शुरुआत करूं अपनी कहानी बाबा की पोटली में या पिटारे में। देखें आज क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई एम फ्रॉम रांची, थैंक यू कुमार, बहुत बढ़िया। क्या हाल है रांची का? बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। द बुक टाइटल द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटेन बाय, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब किसने लिखी थी? चलिए टाइमर खत्म, पहला जवाब क्या होगा? 11 सेकेंड टाइमर मिलेगा, मात्र 11 सेकेंड। उस 11 सेकेंड में कितने सही करोगे ये देखना है आपको। वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो किताब थी वो लिखा गया था वीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ये महान क्रांतिकारी जिसने काला पानी की सजा सुना होगा आपने, अंडमान की, अंडमान के दीवार पे, सेलुलर जेल पे, जो पूरे भारत का इतिहास लिख दिया इसने, भारत का इतिहास लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन तो प्राकृतिक घटनाओं में से बताइए कि संस्कृत में किसको हिरण की प्यास कहा जाता है? मजा आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है ना पहले से। मैं आई एम फाइन, बस कंसंट्रेट करो क्लास पे, क्या होगा। क्या होगा जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, मिराज, इसे ही हिरण की प्यास कहते हैं, इसे ही हिरण का प्यास कहते हैं। इसे ही हिरण का प्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मिट्टी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? मिट्टी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? मिट्टी के मुख्य रासायनिक घटक की बात करेंगे तो सर एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। अरे बढ़िया है ना, साउंड रहने दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, म्यूजिक अच्छी लगेगी थोड़ी सी। मैं जानबूझकर म्यूजिक लाया ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए, ठीक है।
म्यूजिक जानबूझकर लगाया गया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, थोड़ा सा मजा आ जाए। कहां बफर कर रहे हैं बताओ, एक बार सिस्टम को रिफ्रेश कर लो अपने आप को। 1000 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन किसके बराबर होगा? 1000 माइक्रोन की बात करेंगे तो 10^-3, 10^-3। और यार नोट डाउन कर लो कि जो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये 100 सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे वो CHSL का पेपर हो, चाहे RRB का पेपर हो, या फिर आने वाले समय में जो 26 अप्रैल डिसाइड किया गया था बिहार SI मेंस, क्योंकि बिहार SI मेंस का भी डेट बढ़ेंगे अगर कोरोना ने अपना असर कम नहीं किया तो, या हम लोग घर से ना निकले तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? GK गोखले, NG रानाडे, BG तिलक, बिपिन चंद्रपाल। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले, जो 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कहां? बनारस में। कांग्रेस के अध्यक्ष बने बनारस में, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बिल्कुल। काहे म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा है, बस थोड़ा सा अपना। क्वेश्चन नंबर, टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? कास्ट शब्द, जाति शब्द किस भाषा से लिया गया है? जाति शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? जाति शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। SSC CGL का क्वेश्चन है ये, SSC CGL का क्वेश्चन है ये, बस बिल्कुल समझ लो। आज KBC चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। चलिए टाइम कम है, अगर मैं 20 सेकंड लगा दूं तो कहोगे सर टाइम ज्यादा है, अगर मैं 15-11 सेकंड लगा दूं तो कहते हो टाइम कम है, तो आप डिसाइड कर दो टाइम कितनी है। भैया म्यूजिक म्यूजिक पर कंसंट्रेट ना करो, बस सीधा समझ लो वो। अरे यार कहते हैं कि म्यूजिक सुनते सुनते अगर पढ़ाई करते तो हमारे लिए बेटर होता है। चलो अगली बार से म्यूजिक बंद करेंगे, ठीक है? बिल्कुल गलत जवाब, ये पुर्तगाली है, लैटिन कतई नहीं है, पुर्तगाली भाषा है ये। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये पोर्तुगीज है, पुर्तगाली है। बिल्कुल जितने सारे बच्चे हैं वो सब के सब लैटिन लगाएंगे, सब के सब लैटिन लगाएंगे, जबकि ये है क्या? पुर्तगीज। क्या ये पोर्तुगीज है? पुर्तगाली है, पोर्तुगीज है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, ग्रेटर इंडिया शब्द किसको दर्शाता है? राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटर इंडिया शब्द की बात करेंगे तो ये किसको दर्शाएगा? सर ग्रेटर इंडिया की बात करेंगे तो ये दर्शाता है सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी। यानी कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता, अनेकता में एकता या विविधताओं वाला देश है, तो कल्चरल एक्टिविटी है या ना, पॉलिटिकल है ना, रिलीजियस है ना, सोशल है, कल्चरल एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? कल्चरल एक्टिविटी है ये। क्या है? कल्चरल एक्टिविटी, बस ये समझ लेना। बिल्कुल सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। ये क्या होगा? सांस्कृतिक एकता। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देशों के समूहों के साथ जो व्यापारिक समझौतों की औपचारिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल मैं समझाता चलूंगा, वन बाय वन समझते चलना। क्वेश्चन क्या कहता है? सर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो देशों के समूह है, चाहे वो G20 की बात करें, देशों के समूह है, G8 की बात करें, G7 की बात करें, तो जो देश के समूह है, या यूरोपीय यूनियन की बात करें, सर कहता है कि देशों के समूह के साथ जितने भी ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स होंगे, व्यापारिक समझौता होंगे, उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो जानेंगे ट्रेडिंग ब्लॉक्स। किस नाम से? ट्रेडिंग ब्लॉक्स के नाम से। ट्रेड पार्टनर्स, व्यापार सहभागिता होता है सर एक देश के अंदर, एक फर्म के अंदर, एक फर्म के अंदर को हम कहते हैं क्या?
ट्रेड पार्टनर्स कहते हैं, जबकि कहा देशों के समूहों के साथ व्यापारिक समझौतों की औपचारिक प्रणाली को ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहते हैं। तो जरा सा लिंक को शेयर कर दो बच्चों, जरा सा मजा आ जाए फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की, सिस्मिक सी वेव्स, भूकंपीय समुद्री लहरें जो अधिक बल पर तटों तक पहुंचती है क्या होगा? समुद्री लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें जो अधिक बल पर तटों तक पहुंचती है उसे हम क्या कहेंगे? अरे सर सिंपल सा सोचो ना, ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से सबसे पावरफुल क्या होगा? सबसे पावरफुल क्या होगा? सबसे पावरफुल सुनामी है। सबसे पावरफुल क्या होगा? टाइडल तो होगा नहीं, करंट जलधारा होगा नहीं, क्योंकि जलधारा दो प्रकार के होंगे, एक हॉट और एक कोल्ड। तो सबसे जो हाई कहें अधिक बल पर तटों तक पहुंचती है वो क्या होगा? सुनामी होगा। ये क्या होगा? सुनामी। याद करिए 2005 में भारत में सुनामी देखने को मिला था। तो कहां देखने को मिला था सुनामी? सर इंडोनेशिया में आया था और भारत में नागापट्टिनम, नागापट्टिनम एक जगह है तमिलनाडु में, वहां देखने को मिला था और पूरा का पूरा कोस्टल एरिया तबाह हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। किसे कहेंगे? लॉर्ड रिपन को। मेयो, रिपन, कर्जन, क्लाइव, दे आर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब के सब महत्वपूर्ण है। कैसे? सर पहली राजनीतिक हत्या अंडमान में मारा गया, पहली बार सेंसस हुआ लॉर्ड मेयो के समय, रेगुलर इंटरवल पे सेंसस हुआ 1881 में, कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड क्लाइव की बात करेंगे। तो जरा बताइए कमेंट बॉक्स में आपके, जरा मैं आपसे सुन लूं कि लॉर्ड क्लाइव से क्या क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड क्लाइव से क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सर्बत सेवा बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड? मेयो और रिपन में बहुत कंफ्यूजन है भैया, मेयो वालों का चालान कट गया समझ लो, मेयो वाले ने अपना चालान कटवा लिया, अपना गलती करवा लिया। तो राइट क्या होगा? लॉर्ड रिपन इज राइट। तो किस राज्य सरकार ने सर्बत सेवा बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया? तो पंजाब ने लिया है। किसने लिया? पंजाब ने सर्बत सेवा बीमा योजना शुरू करने का फैसला किया है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में बताइए कितने, अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन में तक पहुंचेंगे तब देखेंगे कितना आपने सही किया है, कितना आपने सही किया। बंगाल का गवर्नर, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में नम्मा कोल्हापुरी चप्पल के लिए GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, गुजरात? क्या होगा जवाब? GI टैग किसे मिला है? GI टैग की बात करेंगे तो सर पहले, सबसे पहले GI का फुल फॉर्म देख लें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी क्षेत्र को वो डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों को, दोनों राज्यों को कोल्हापुरी चप्पल के लिए GI टैग मिला है, दोनों राज्यों के लिए GI टैग मिला है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, बुक योगा एंड डाइट फॉर वेट लॉस, योग और डाइट फॉर वेट लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए योग करिए अपना वजन कम करिए, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो घर पे रहना है, जमकर योग करिए और अपना वजन कम करिए, अपना वजन कम करिए। अरे सर जो आंध्र प्रदेश कहते हो, सबसे बड़ी चीज जो कोल्हापुर है, वो कोल्हापुर कहाँ है? कोल्हापुर तो महाराष्ट्र है, पहले ये तो निकाल लो। तो महाराष्ट्र तो जरूर होगा उस ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश कैसे कहते हो? आंध्र प्रदेश कैसे कहोगे, क्यों कहोगे सो बता दो। चलिए तो योग और डाइट फॉर वेट लॉस जैसे क्वेश्चन दिखेगा बाबा रामदेव तो जरूर कहोगे, जबकि क्या ये विजय लक्ष्मी होता, विजय लक्ष्मी होता, भैया रामदेव काहे कह रहे हो, बाबा रामदेव ने कहा क्या कुछ किया है, क्यों किताब लिखेंगे बाबा रामदेव? अच्छा जरा बता दो बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी, बाबा रामदेव की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? बाबा रामदेव की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? जल्दी क्विक, बाबा रामदेव का जो आत्मकथा, बाबा रामदेव की आत्मकथा का नाम क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में।
कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से युक्त खनिज है, क्या होगा? मैग्नेसाइट, कैल्साइट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के लिए जो खनिज की बात करेंगे तो क्या है ये? डोलोमाइट है। क्या है बच्चे? डोलोमाइट है। अब ये सोच लो कि कमिंग डेज में अगर इस 100 क्वेश्चंस, ये श्रृंखला जो है ये तीसरे चौथे श्रृंखला है आपके लिए, मतलब सोचो सप्ताह में कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलते चले जा रहे हैं। माई मिशन माई लाइफ, माई मिशन माई लाइफ, बहुत बढ़िया। किसने लिखा यार? सोनू यदुवंशी, विजय, अंजलि, बहुत बढ़िया, अंकित कुमार प्रजापति, बहुत सही। प्रकाश की गति की बात करेंगे सर, सबसे तेज गति से यात्रा करता है, बिल्कुल आसान सा सवाल, कांच, जल, हाइड्रोजन, निर्वात। प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करेगा सर वैक्यूम में, निर्वात में, क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल सूरज की किरणें आसानी से पहुंच जाती है हमारे पास बिना फाइटर प्लेन के, बिना फाइटर प्लेन के। चंदन देवांगन जी, बहुत बढ़िया। सोनी कुमारी, गोपाल, दीपिका नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया बच्चे, बताइए भारतीय नौसेना द्वारा फारसी खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो सर भारतीय नौसेना के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया वो ऑपरेशन संकल्प है। क्या है बच्चों? ऑपरेशन संकल्प इज राइट। भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो वो ऑपरेशन संकल्प नाम है। क्या है? ऑपरेशन संकल्प इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए पहले टाइमर लगेगा तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, टाइमर खत्म होगा तभी बोलूंगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को कहां से अपनाया गया? बिल्कुल आसान सा सवाल, बगुआ वाला सवाल कहते हैं ना, बच्चों वाली सवाल। तो सर आयरिश संविधान आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया, यानी डीपीएसपी की बात करें ये कहां से अपनाया गया, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आयरलैंड ने कहां से लिया था, आयरलैंड ने ये कहां से लिया, जल्दी आयरलैंड ने ये कहां से लिया, तो आयरलैंड ने ये कहां से लिया जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर स्पेन से लिया है, ये कहां से लिया? स्पेन से लिया। क्वेश्चन नंबर 18। द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, लोकतंत्र के दो रूप हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री एंड किंग, क्या होगा? बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, या देखिएगा लोकतंत्र के दो रूप हैं, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। लोकतंत्र के दो रूप हो सकते हैं सर, मोनार्कियल जहां आया राजशाही आया वो खत्म हो गया, लोकतंत्र होगा नहीं, जहां किंग आया वो होगा नहीं। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म, जहां पर प्रधानमंत्री होंगे, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, जैसे भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें, राष्ट्रपति रूपाम करेंगे, जैसे यूएसए हो गया, जैसे यूएसए हो गया। यानी जो लोकतंत्र के दो रूप हैं वो कौन होंगे? संसदीय और राष्ट्रपति इज राइट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये बात बिल्कुल समझ लेना, गांठ बांध लेना। क्वेश्चन नंबर 9। किस बाजार की स्थिति में फर्मों के पास अधिक क्षमता होती है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, डियोपोली,
या ओलिगोपोली। तो अंडर विच मार्केट कंडीशन डू फॉर्म्स हैव एक्सेस कैपेसिटी की बात करेंगे तो सर एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक यानी पूरा का पूरा एकाधिकार। अब मान लो परफेक्ट कंपटीशन में सर प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में एक से ज्यादा आपको सेलर देखने को मिलेंगे, कंपटीशन ज्यादा है ना। आ रही बातें समझ में आपको? लोकतंत्र वह है जहां वंशानुगत शासन करता है, किसने कहा भैया, कौन से किताब पढ़ लिए? क्वेश्चन बट चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए क्या होगा जल्दी। सर सार्क की बात करेंगे तो सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी, फतिमा ध्याना सईद या किंग्सले एंटोनियो गुटेरेस या मेडेलिन अल्ब्राइट। तो बात करें सर सार्क की पहली महिला महासचिव की बात करेंगे तो ये कौन है, फतिमा ध्याना सईद, यानी फातिमत ध्याना सईद सार्क की पहली महिला महासचिव हैं। सार्क की बात करें तो सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, काठमांडू। कहाँ होगा बच्चे, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा नहीं करता लिखा होगा, चलिए जतिन जी दिख गया। सर कहता है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, मन्नार या नीलगिरी। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी कहाँ, सुंदरबन की बात करें सर WB, नंदा देवी की बात करें सिक्किम, मन्नार की बात करें तमिलनाडु और नीलगिरी की बात करें ये तमिलनाडु, दोनों के दोनों तमिलनाडु हैं, दोनों के दोनों कहाँ हैं, तमिलनाडु हैं। क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स। सर कहा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब 16 महाजनपद था तो उसमें दो रूप देखे जाते थे, कौन कौन सा, एक मोनार्कियल और एक रिपब्लिकन। तो जो 600 शताब्दी ईसा पूर्व में जो रिपब्लिक यानी गणतंत्र था वो गणतंत्र कौन था, तो गणतंत्र था वैशाली, गणतंत्र था वैशाली, क्या होगा, गणतंत्र था वैशाली। ठीक है, बाकी बात मगध, अवंती, कोसल ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब राजशाही हैं, राजतंत्र हैं, ये सब के सब राजतंत्र हैं। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा, जो बोल्ड अक्षर में दिख रहा है वही होगा, यानी श्रीमाव भंडार नायके। तो कहां की हैं ये श्रीलंका की हैं, ये श्रीलंका की हैं, कहां की है, श्रीलंका की हैं। क्वेश्चन नंबर 24। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया था, कहां किया गया, अबू धाबी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त मौर्य को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, देख लीजिए दहेज प्रथा पहले से चला आ रहा है, यानी सर प्रयाग, साकेत, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो उस राज्य का नाम क्या था जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज मिला, तो पाटलिपुत्र, यानी बात करते हैं मगध की, बात करते हैं मगध की। क्यों, क्योंकि सर पाटलिपुत्र की स्थापना हरियक वंश में उदयन ने किया था, आपको पता होना चाहिए। तो भैया सोचो लिच्छवियों से दहेज मिल गया, कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम को, पाटलिपुत्र दहेज मिला, कौन सा मिला, पाटलिपुत्र दहेज मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26।
जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति साझा की जाती है तो उसे किस रूप में जानते हैं? तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जब हम शक्ति साझा करते हैं तो उसे हम अधिकारों का विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो देख दो आर्टिकल नंबर 50 बताइए क्या था, आर्टिकल नंबर 50 बताइए क्या है, अभी जुड़ जाएगा यहां पे। आर्टिकल नंबर 50 बताइए क्या है, आर्टिकल नंबर 50 बताइए क्या होगा। अभी मैं नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा 30 प्रश्न हो जाएंगे तब पूछूंगा कितने सही किए हो आप। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति से भारत में राष्ट्रीय शासन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने आर्टिकल 50 पूछा, अभी तक किसी का जवाब दिखा नहीं। आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 अभी तक दिखा नहीं किसी का। सर क्लास कब तक होगी? अभी तो शुरुआत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए तो क्या होगा इसका जवाब होगा 3 साल। क्वेश्चन पढ़े नहीं जवाब मिल गया, क्वेश्चन पढ़े नहीं और गलती जवाब दे दिया आप लोग। अरे सर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यहीं पे देखो ना, क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रत्येक छह महीने में संसद की स्वीकृति से भारत में राष्ट्रीय शासन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो प्रत्येक 6 माह में हम अधिकतम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से विभाजन, ये आर्टिकल नंबर 50 था। प्रशांत मिश्रा जी का जवाब, अंकित कुमार प्रजापति का जवाब, बहुत बढ़िया यार, ऐसे बच्चे का मैं लिख दे रहा हूं। प्रशांत मिश्रा जी ने सही जवाब दिया, प्रशांत मिश्रा जी ने सही जवाब दिया और अंकित ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चलिए यामी गुप्ता, चंदन देवांगन का भी जवाब। सर तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग? कार्य प्रणाली के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ये न्यूनतम संख्या क्या होगा सर, इसे हम गणपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम। इसे कहते हैं कोरम, या कहते हैं हिंदी में गणपूर्ति। क्या कहते हैं बच्चे? गणपूर्ति कहते हैं या कहते हैं कोरम। क्या कहते हैं? कोरम, जो होगा कुल सदस्यों का 1/10 या 1/10 1/10 1/10। सिंधु घाटी सभ्यता में काली बंगन निम्नलिखित में से किसके के लिए प्रसिद्ध है? तो सर सिंधु घाटी सभ्यता में काली बंगन की बात करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी के बर्तन। किसके लिए सर? तोड़ो ना, काली बंगा, काला बंगन यानी कंगन, तो सर मिट्टी के कंगन पाए गए थे यहां से। तो समुद्र बंदरगाह की बात करेंगे, ये लोथल होगा। कहां होगा? लोथल होगा। कपास की खेती विश्व में सबसे पहले कहां मिली? तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। प्लेसेंटा जो का स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, प्लेसेंटा संरचना का निर्माण कहाँ होगा? तो भ्रूण और गर्भाशय के उत्तकों के संघ द्वारा या मिले जुले दोनों के रूप के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 30। अब बताइए कितने मार्क्स आए आपके 30 प्रश्न में? 30 प्रश्न में कितने राइट है? ऐसे लिखना राइट, जैसे मान लो 30 में 20 सही होगा, 10 गलत होगा, 5, 10 गलत होगा। अगर मान लो 20 सही है सर, 20 सही है, 20 राइट, 5 गलत, 5 स्किप, ऐसे दीजिए तब पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। स
साउंड ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड, ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो किसमें करती है ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा? अरे सर क्या बात करते हो, याद करिए ब्लैक मैजिक शो जो मैंने बताया था कि ध्वनि की गति। अच्छा 27, बहुत बने डेडमैन। 30, यार दिल लूट लिया आपने। 30, 31 कैसे सर? मैं बाद में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो सर ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करेगा किसमें? 28, राइट, बहुत बढ़िया। स्टील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दिनेश पटेल, बहुत बढ़िया। अंकित, देखिए कहता है गदर आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गदर आंदोलन में याद करिए सर 1913 में लाला हरदयाल ने, 1913 में लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 33, यानी कौन सा शहर भारत के शून्य मील केंद्र के रूप में जानते हैं? सर नागपुर को संतरों की शहर, यानी कहें संतरों, जहां डॉक्टर बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट है, क्या होगा? नागपुर होगा। इलाहाबाद, कई सारे बच्चे सोचेंगे क्यों, क्योंकि सर यहाँ 82.5 डिग्री इंटर करता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कई सारे बच्चे जाएंगे किसके साथ? जाएंगे इलाहाबाद के साथ, जो कतई गलत करना, देखो कई कतई गलत कर रहे हो। कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कैलिबर की बात करेंगे सर, ये किससे है? ये शूटिंग से है। शूटिंग यानी शूटिंग किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है। सेशन मजा आ रहा होगा बच्चों, तो जरा लाइक कर देना सेशन को सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, नितिन गडकरी नागपुर, बहुत बढ़िया, किसने लिख दिया? देखो कुछ बच्चे जो स्किप करते हैं वो बिल्कुल राइट, स्किप करते हो ये तरीका बहुत बढ़िया, अगर ना समझ में आए तो स्किप कर दो, ये सही है। सर क्या होगा ये? खुशवंत सिंह, क्या होगा? खुशवंत सिंह, यानी अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा को किसने लिखा? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, जो बहुत फेमस किताबें हैं, जो पूछी जाती है कई बार पेपर में। आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं क्यों कहा जाता है, आज कुछ नहीं, केवल रैपिड फायर है 100 प्रश्न, बाकी बस सप्ताह में तो पढ़ाते ही आपको, आज रैपिड फायर की तरह है। सर निजी कंपनियों को सरकारी शेयरों को उतारने के लिए, अभी देखिए सरकार ने बजट में घोषणा किया LIC के जो शेयर हैं वो बेच दिए जाएंगे, तो मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट, वी निवेश। क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट यानी वी निवेश कहेंगे उसे, ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया पंचायत की शुरुआत। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया पंचायत की शुरुआत, कि सर हम अपने पावर को, हम अपने शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कहीं और, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया? कि जब पहली बार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहली बार जहां पैसा लगाएंगे वो इन्वेस्टमेंट हो गया। भारत में तीसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर का पूरा नाम क्या है? भारत में तीसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर का पूरा नाम क्या है? मैं आपको हमेशा कहा हूं कि सर जो संक्षिप्त वर्ड है, संक्षिप्त है, एब्रिवेशंस है, ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो क्या होगा ये? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। मनीष गुप्ता जी, शून्य मील क्यों कहा जाता है? आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे,
आज देख रहो कोई एक्सप्लेनेशन चल रहा है, बिल्कुल केवल रैपिड फायर है। किसी और दिन चर्चा करेंगे इसकी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स कॉल्ड एज राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा। क्या होगा? राजस्व घाटा। यानी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। ठीक है। पौधों का जो हार्मोन, पौधों का हार्मोन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है वो क्या है? गिबरेलिंस। एथिलीन की बात करेंगे तो ये नेचुरल हार्मोन है जो फल को पकने में मदद करता है, फल को पकने में मदद करता है। ठीक है। अगर एसिटिलीन होता तो वो आर्टिफिशियल है, वो क्या है? कृत्रिम रूप से पकाता है वो। चलिए बताइए, कहता है सर साउंड ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन मीडिया, ध्वनि माध्यम में एक अलग गति से गमन करती है, इस माध्यम में ध्वनि का वेग किस क्रम में बढ़ता है? आपको बताना होगा। क्रम दिया गया है, ये सीक्वेंस दिया गया है। अब आपको बताना है कि किस सीक्वेंस में यानी किस मीडियम में सबसे तेज गति से ट्रेवल करेगा। तो क्या होगा सर? सबसे कम हवा, इसके बाद यानी ऐसे समझ लें गैस इज लेस देन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, समझ गए? या फिर सॉलिड इज लिक्विड ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसियस, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। चलिए सर ये देखो ना, क्रम में बढ़ता है, बढ़ता है। आप जो कह रहे हो घटने वाली बात कह रहे हो, बढ़ने वाली बात करो। मैं कह रहा हूं क्रम में बढ़ता है, तो इससे बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना सर। बहुत मुश्किल है डगर, कैसे काम चलेगा बच्चों? हाँ इंक्रीज बताना था। न्यूरोस्पोरा का उपयोग अनुवांशिक पदार्थ के रूप में किया जाता है क्यों? न्यूरोस्पोरा का उपयोग जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों करते हैं? रीजन बिहाइंड, इसका जीवन काल मात्र 10 दिनों का होता है, इसका जीवन काल मात्र 10 दिनों का होता है। किसने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वितरणात्मक न्याय की अवधारणा दी है? तो और कौन दे सकता है? मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन कोरोना ने क्या किया? सामाजिक बंधन तोड़ दिया। बोला सर सामाजिक प्राणी है हम जानते हैं, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, यहाँ घेरा खड़ा रहो, एक बच्चा एक यहाँ खड़ा रहो, एक यहाँ खड़ा रहो या यहाँ खड़ा रहो, ये स्थिति है। यानी क्या होगा? अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, विच साइंटिस्ट रोट अ बुक कॉल्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किस वैज्ञानिक ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है? तो सर किसने लिखा? स्टीफन हॉकिंग। किसने लिखा? स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था, याद करिए। हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है, हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जाती है? कीप डिस्टेंसिंग, बहुत बढ़िया। तो सर किस अनुच्छेद के अनुसार हम विधान परिषद बना सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं? अभी सोचिए,
उड़ीसा कह रहा है हम बनाएंगे, आंध्र प्रदेश कह रहा है हम हटाएंगे, किस मर्जी से कैसे। 168 के अनुसार सर विधान मंडल होगा प्रत्येक राज्य में, 169 के अनुसार क्या होगा, हम बना सकते हैं या हटा सकते हैं विधान परिषद, विधानसभा 170, विधानसभा 170 यानी 169 के अकॉर्डिंगली हम विधान परिषद बना सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। से 168 जतिन राकेश कुमार कैसे कहेंगे 168 गलत कर दिया आपने, 168 जिसने कहा बिल्कुल गलत है, 169 इज राइट। कई बार मैं आपको बता चुका हूं अपने पॉलिटी वाले क्लास में। चलो कोई नहीं, फिर से और मैं आपके लिए बता दूं खुशखबरी, मंडे से ये क्लास जो आपकी है 6 से 8 रेगुलर 2 घंटे की हो गई है। मंडे से ये क्लास आपकी रेगुलर 6 से 8 2 घंटे की हो गई है, जिसमें से हम मेजर पोर्शन को कवर कर सकेंगे। अरे एक समान स्थिर रहेगा, यदि बचत है वो इन्वेस्टमेंट से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि होगी, कोई वृद्धि नहीं होगा, एक समान स्थिर रहेगा। कैसे, इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। कैसे होगा उसे हम कैसे होगा डायग्राम से बता देंगे। सर कहा भोजन, कार्य, फूड, वर्क, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 7th 5-year plan में ये कहा गया है, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया 5th 5-year plan, ठीक है 5th 5-year plan। क्योंकि सर दूसरी पर तो देखोगे, दूसरे पर ना हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, जिससे राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। द फुटहिल रेंज, चलो पहले पर देख लो, द फुटहिल रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो सर हिमालय की बात करेंगे, हिमालय के सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, फिर ये हिमालय हो गया, और फिर हिमालय की तलहटी के नीचे ये है शिवालिक। क्या है ये शिवालिक, क्या है बच्चों शिवालिक रेंज, जिसे हम आउटर रेंज कहते हैं, जिसे हम सदर्न रेंज कहते हैं, जिसे हम सदर्न या आउटर कहते हैं। पंडवानी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, पंडवानी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है पंडवानी। कहां का है, उत्तराखंड का ये लोक नृत्य है। कहां के बच्चों, उत्तराखंड का लोक नृत्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस दवा की बिक्री, निर्यात और वितरण पर प्रतिबंध कर दिया है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। पता क्यों किया, ऐसी हाल फिलहाल की खबर है ये, कोरोना वायरस आने के बाद इसकी बिक्री बढ़ गई थी। क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया में एक र्यूमर फैल गया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेने के बाद कोरोना वायरस का असर कम हो जाता है या असर होता ही नहीं है, जबकि ये मलेरिया के लिए है, ये किसके लिए बच्चे, मलेरिया के लिए है, इसीलिए सरकार ने क्या किया, बिक्री बंद कर दी, निर्यात बंद कर दिया, वितरण पर क्लोज कर दिया, वितरण पर बंद कर दिया, ठीक है।
फ्लोएम इज अ टिश्यू, फ्लोएम में उत्तक है, किसमें पाए जाएंगे? बिल्कुल आसान सा सवाल, अगर ये सवाल मैं गलत कर दूं तो हमारे तैयारी करने पर सोचने पे मजबूर होना होगा, क्योंकि सर फ्लोएम और जाइलम दो ही तो होते हैं जो कंडक्टिव टिश्यू है। फ्लोएम और जाइलम, जाइलम क्या करेगा, जल को खींचेगा, फ्लोएम क्या करेगा, बना हुआ भोजन को तैयार करेगा, पूरे प्लांट में बांटेगा। तो किससे रिलेटेड है ये? प्लांट से है। किससे है? प्लांट से रिलेटेड है। लिंकन इन द बार्डो नामक पुस्तक किसने लिखी है? लिंकन इन द बार्डो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो सर जॉर्ज सॉन्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज सॉन्डर्स के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज सॉन्डर्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, म्यूजिक मस्त है तो घर में नाचने मत लगना, म्यूजिक मस्त है सुनकर, नहीं तो घर वाले, अभी तो घर में ही रहना है, नहीं तो मम्मी पापा कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे बेटा क्या हो गया अचानक से पढ़ते पढ़ते नाचने लगा। मदन लाल सैनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, राज्यसभा के सांसद किस राज्य से थे? राजस्थान से थे। किससे बच्चे? राजस्थान से थे। किससे थे? राजस्थान से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होने वाला है? पुणे, कोलकाता, नई दिल्ली या कोच्ची? तो महिला 2019 महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो किस शहर में स्थापित होने वाला है? ये कोच्ची में है। किस शहर में होगा? कोच्ची में। कोच्ची कहां है सर? केरल। कोच्ची कहां है बच्चे? केरल। कहां है ये? केरल। का भाई क्वेश्चन नंबर 54 में अटक गई, नके बुझात बुझा गई कि नहीं खे? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार, प्रदीप कुमार, अदिति चौहान या प्रणय हल्दर? क्या होगा, कहा होगा बुआ बता? अरुण कुमार जी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? अरुण कुमार जी को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से अत्यधिक पानी ले जाती हैं। मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से अत्यधिक पानी ले जाती हैं, अत्यधिक नमी ले जाती हैं, तो कौन सी हवाएं? नॉर्थ वेस्ट हवाएं, दक्षिण पश्चिम हवाएं, दक्षिण पूर्व हवाएं या नॉर्थ ईस्ट हवाएं? तो क्या होगा ये? ये जवाब होगा साउथ ईस्ट। सर हिंद महासागर की बात किया, अगर इंडिया की मैप को देखोगे बच्चों तो ये वाला पोर्शन यहाँ अरब सागर है, यहाँ इंडियन ओशियन है। तो सर दक्षिण पूर्व यानी ये वाला जो है, ये वाला, ये हवाएं बहुत अधिक पानी ले जाती है। कौन? बहुत अधिक पानी ले जाती है यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? साइलेंट वॉल्केनो, दमावंद, एक्टिव वॉल्केनो, स्ट्रोम्बोली, डोरमेंट वॉल्केनो, क्रैकाटाओ, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एटना। तो भैया एटना सिसिली, इटली। एटना क्या है? ये एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है ये? एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, साउथ वेस्ट नहीं होगा इंद्रजीत जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, क्या होगा जल्दी।
सर 57 की बात करेंगे तो एक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्रोत से उसकी दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पर होगा। और अगर हम बात करें तो 17 मीटर है या सेंटीमीटर है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। 17 मीटर क्या होगा बच्चे? 17 मीटर, 17 मीटर, ठीक है। चलिए कि 17 सेंटीमीटर है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि एक श्रोता अच्छे तरीके से आवाज को सुन सकता है वो 17 सेंटीमीटर होगा या 17 मीटर होगा। चलो मैंने आपके ऊपर छोड़ा, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। सत्रह मीटर होगा, 17 सेंटीमीटर तो बहुत कम होगा बालक। 17 सेंटीमीटर देखोगे तो कितना होगा, इतना ही मुश्किल से जाएगा 17 सेंटीमीटर का नहीं खत्म, 17 मीटर होगा। और ये देखो कहता है कोयले की विविधता जिसमें मूल पादप सामग्री के पहचाने जाने योग्य निशान हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, गलती कैसे करोगे देखो। कहता है सर जब फॉसिल्स जानवरों के मरने के बाद जो जीवाश्म होता है सबसे पहले कौन सा कोल में कन्वर्ट होगा, तो सबसे जो कोल में कन्वर्ट होगा वो पीट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? पीट में कन्वर्ट होगा। तो वही कहा जिसमें मूल पादप सामग्री के पहचाने जाने योग्य निशान हैं वो क्या होगा? पीट होगा। क्या होगा? पीट होगा। ये नहीं कहा कि कौन सा उत्तम किस्म का कोयला है। अगर उत्तम किस्म की बात करते तो क्या होता है, ABLP एंथ्रासाइट इज ग्रेटर देन, बिटुमिनस इज ग्रेटर देन, लिग्नाइट इज ग्रेटर देन पीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंडित जसराज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? लिटरेचर राइटिंग, इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग, क्लासिकल सिंगिंग या क्लासिकल डांस, क्या होगा? क्या होगा सर? क्लासिकल सिंगिंग, शास्त्रीय गायन। तो पंडित जसराज जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, क्लासिकल सिंगिंग से संबंधित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने उसके स्वभाव के आधार पर धन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो जॉन मेनार्ड किन्स, एडम स्मिथ कौन है? तो ये एक अर्थशास्त्र के पापा हैं, अर्थशास्त्र के पापा हैं, जनक हैं, पिताजी हैं, फादर हैं। ठीक है, चलिए एंजिल फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, ओरिनोको, कोरोनी या पराना? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात की बात कहेंगे तो सर ये किस पर है? कोरोनी पर है। किस पर है ये? कोरोनी नदी पर है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? अब हमें लगता है कि इस क्वेश्चन पे जितने सारे बच्चे जुड़े हैं सबके जवाब गलत आने वाले हैं, सबके जवाब गलत आने वाले हैं, बिल्कुल तय है ये, क्योंकि ये बेसिक फैक्ट हम गलती करके आते हैं। तो ये क्या होगा सर? कहा दक्षिणी सीमा की बात करते हैं तो सर ये, जैसे अगर हम इंडिया की मैप की बात करें तो सर ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। ये क्या हो गया? अक्षांश रेखा।
और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 27 मिनट क्या हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया, पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड और ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन आप गलती कर बैठे, बेसिक क्वेश्चन आप गलती कर बैठे। ऑक्सस निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है, टिग्रिस, यूफ्राटिस, अमुदरिया या स्त्रेदरिया, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63। सोचो इतने आसान सवाल आप गलती कर बैठे हो, कैसे सिलेक्शन होगा, हे भगवान का होई। कैसे मान लें सही है किसी का जवाब। राजेश जी कह रहे हैं सही है, कैसे मान ले बच्चा सही है। सर ऑक्सस जो है वो सेंट्रल एशिया मध्य एशिया की नदी है, मध्य एशिया की नदी है जो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की बाउंड्री टच करता है, जिसका नाम अमुदरिया है, जिसका नाम अमुदरिया है। जैन लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, पीटक, आगम, कल्प या सुत। तो जैन साहित्य की बात करेंगे तो आगम के नाम से जानते हैं, पीटक की बात करेंगे तो ये सर बौद्ध धर्म जाएगा, ये कहां जाएगा, बौद्ध धर्म की ओर ये जाएगा पीटक। आगम क्या होगा, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहेंगे। चलिए जवाब दीजिए इसका क्या होगा, नेपाली भाषा किस भाषा में लिखी, किस लिपि में लिखी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कोरोना कोरोना को जानने के लिए, कोरोना के कितने मरीज हैं वो समझने के लिए, बचाव के लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है। वो ऐप कैसे काम करेगा, क्या होगा, उसकी वीडियो एक मैं लेकर आ रहा हूं आज 7:40 में, तो जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। जाने क्या है कोरोना ऐप, जाने क्या है कोरोना ऐप। तो ये देवनागरी लिपि होगा, क्या होगा, देवनागरी लिपि, कोई चेंजेस नहीं है। समुद्र के जल की औसत लवणता क्या है, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, समुद्र के जल की औसत लवणता की बात करेंगे तो क्या होगा, 3% 3.5% 2.5% या 2%, क्या होगा। साढ़े तीन परसेंट क्या है सर, समुद्र के जल की औसत लवणता की बात करेंगे 3.5% है, कितना है बच्चे, 3.5% लवणता है समुद्र के जल की। कोरोना कवच बहुत बढ़िया। धातुओं के जो समूह हैं, एफी लोहा, कुबाल्ट, निकेल को सर्वोत्तम रूप में कहा जा सकता है, क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल्स, मेन ग्रुप मेटल्स, अल्कली मेटल्स, रेयर मेटल्स। तो ये होगा ट्रांजिशन मेटल्स यानी संक्रमण धातुएं, क्या होगा ये, संक्रमण धातुएं। क्वेश्चन नंबर 68, भैया स्लो करते हैं तो कहते हो सर स्लो है, फास्ट करते हैं तो कहते हो फास्ट है, अब बताओ क्या किया जाए, कैसे उपाय लगाया जाए। कारगिल श्रद्धांजलि गीत किस हिंदी गीतकार द्वारा रचित है, तो कारगिल श्रद्धांजलि गीत किस हिंदी गीतकार द्वारा रचित है बच्चों, समीर रंजन के द्वारा। किसने लिखा,
तो समीर अंजान ने लिखा है, समीर अंजान ने लिखा है। बच्चे दुनिया के रफ्तार से, दुनिया के रफ्तार से कदम ताल से नहीं मिलाओगे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। देखो, रिलायंस जियो ने अपने डिजिटल उद्यान के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? डिजिटल उड़ान के लिए, डिजिटल उड़ान के लिए फेसबुक से साझेदारी की है। किससे किया है? फेसबुक से साझेदारी किया है। किससे? फेसबुक से साझेदारी किया है। राजस्थान के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है? तो विच सिटी ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो किसे किया बच्चों? ये आपको भी पता है कि जयपुर है, और जयपुर 38वां धरोहर स्थल है। कितना? 38 38वां धरोहर स्थल है। तो राजस्थान के जयपुर शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, जो 38वां शहर है। कौन सा? 38वां शहर है। When is the World Day Against Trafficking in Persons observed globally? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई, क्या होगा? क्या होगा बच्चे? ये होगा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है ये? 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग हम कहां करते हैं, किसमें करते हैं? दवा के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, सॉल्ट के रूप में, या कांच के रूप में, ग्लास के रूप में? तो सर, उर्वरक। पोटेशियम परमैंगनेट होता, पोटेशियम परमैंगनेट होता तो हम कहते सर दवा के रूप में यूज करते हैं, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट का यूज उर्वरक के रूप में करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। पानी की अस्थाई कठोरता को किसके सहायता से हटाया जा सकता है? किसके सहायता से हटाया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट या चूना? बिल्कुल आसान सा सवाल है, गलती मत करना, पाप लगेगा अगर ये क्वेश्चन को गलती कर बैठते हो तो। क्या होगा ये? बिल्कुल आसान सा सवाल है सर, सोडियम कार्बोनेट। कई सारे बच्चे कहेंगे फिटकरी, जबकि फिटकरी से हम पानी को साफ करते हैं, जो इंसेक्ट होता है ना, कीड़ा हो जाता है, जो इंसेक्ट है वो हम फिटकरी से मारते हैं, जबकि जो स्थायी कठोरता है, परमानेंट हार्डनेस है, वो सोडियम कार्बोनेट से हटाते हैं, सोडियम कार्बोनेट से हटाते हैं। ठीक है, बोले वही कहा, कई सारे बच्चे एलम कहेंगे, फिटकरी कहेंगे, जो बिल्कुल गलत है। चलो देखे क्वेश्चन नंबर 74 जवाब क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 2020 का संस्करण का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? योग फॉर हेल्थ, योग फॉर पीस, योग फॉर क्लाइमेट एक्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74, चौहत्तर का आंसर सी,
कितने लोगों का जवाब आया है 74 का आंसर सी, 74 का आंसर सी, 74 का आंसर सी, यानी जितने बच्चे हैं सबका गलत है, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत, गलत बड़े बड़े अक्षर में लिख दूं, बड़े बड़े अक्षर में गलत है ये। अब सब सोचेंगे काहे गलत है, कैसे गलत हो गया, किस कारण से गलत हुआ, हैरान परेशान दुखी इंसान। सर एक चीज समझ लो, 2020 संस्करण का जो थीम है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जो योग फॉर क्लाइमेट एक्शन है ये 2019 का है। लग गया ना बिजली का झटका, लग गया ना झटका, बिजली का झटका लगा, किनको झटका लगा जरा बताओ, दिखाओ जरा थंब कि सर मुझे झटका लगा है, जोरों से झटका, गाना सुने हो ना जोर से झटका, लग गया ना झटका, मजा आ गया ना। देखिए क्वेश्चन सोचो, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम हॉल में तो आप छोड़ कर आओगे। सर 2020 योग दिवस का थीम अभी तक संयुक्त राष्ट्र या भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है, यानी विश्व योग दिवस 2019 के लिए दो थीम थी, एक यूएन ने डिसाइड किया था जो आपका ऑप्शन था योग फॉर क्लाइमेट एक्शन, और भारत के आयुष मंत्रालय ने घोषित किया योग फॉर हार्ट। तो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, तब काहे दिए, जानबूझकर गलती करवाने दिए आपसे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना आपको कभी कभी। मैंने नहीं बताया, चलो ठीक है। वीर छोट रानी किस खेल से संबंधित हैं? तो वीर छोट रानी की बात करेंगे, एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन या स्क्वैश, तो वीर छोट रानी स्क्वैश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्क्वैश से संबंधित हैं, ठीक है। श्रीपद नायक बहुत बढ़िया। माउंट मैकिनले किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो क्या होगा बच्चों, इसका सवाल का जवाब होगा उत्तरी अमेरिका। माउंट मैकिनले किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका की है। कहां की है? उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है। द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी का मुख्य सक्रिय घटक क्या होगा? निकोटिन, क्लोरोफिल, कैफीन या एस्पिरिन। तो सर कैफीन, सर निकोटीन की बात करेंगे तो ये तंबाकू में पाया जाता है, किसमें? तंबाकू में, जबकि कैफीन चाय और कॉफी का मुख्य सक्रिय घटक है, कैफीन और चाय और कॉफी का मुख्य सक्रिय घटक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर एन एल्केन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सर आणविक सूत्र C4H8 के साथ एक एल्केन के लिए आइसोमर्स की अधिकतम संख्या क्या है? 5, 4, 2 या 3। तो ये 4 है। आणविक सूत्र C4H8 के साथ एक एल्केन के लिए जो आइसोमर्स की अधिकतम संख्या क्या होगा? 4 होगा। पौधे के लाल, नीले और बैंगनी रंगों में से अधिकांश वर्णक नामक वर्णक के कारण होते हैं, तो एंथोसाइनिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल या जैंथोफिल। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे तो एंथोसाइनिन के कारण पौधे में लाल, नीले, बैंगनी रंग दिखाई पड़ते हैं, किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है बच्चे।
इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, वर्तमान निदेशक कौन है आईबी के, तो कौन होगा सर, अरविंद कुमार जी आईबी के वर्तमान निदेशक हैं, आईबी के वर्तमान निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 80। कथकली में कितने श्रृंगार प्रकारों का उपयोग किया जाता है? कथकली जो केरल का नृत्य है, जो केरल का है, केरल का कैसा क्लासिकल डांस है, क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य है, तो सर ये कितने 7 प्रकार के श्रृंगार का यूज करते हैं, कितने 7 प्रकार के श्रृंगार का यूज करते हैं। फिजिक्स की बात करें तो द नोबेल पीस प्राइज फॉर फिजिक्स यानी भौतिकी 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो किसे नहीं दिया गया था आपको बताना है सर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे तो किसके लिए, अकीरा एसिनो को नहीं दिया गया, यानी नोबेल प्राइज की बात कर लें, नोबेल प्राइज की बात कर लें तो क्या होगा, किसे, पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्विलेज को दिया गया है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह शिवपुरी जिला में लोकेट है बच्चों, कहां है तो माधव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो कहां, शिवपुरी जिला है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नामचिक नम्फुप कोयला क्षेत्र स्थित है, तो नामचिक नम्फुप कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कहां बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में लोकेट है ये, कहां, अरुणाचल प्रदेश में लोकेट है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया में सबसे अधिक औसत ऊंचाई के साथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज विथ द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, तो ये क्या होगा, अंटार्कटिका सबसे औसत ऊंचाई के साथ है, कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के साथ, अंटार्कटिका है। हाल ही में भारत के किस जिले में 14,100 टन लिथियम रिजर्व पाया गया, मांड्या कर्नाटक, प्रकाशम आंध्र प्रदेश, जागृतियल तेलंगाना, कोल्लम या केरल, तो सर कहां पाया गया, मांड्या कर्नाटक में पाया गया, ये कहां पाया गया बच्चों, मांड्या कर्नाटक में पाया गया है, कहां, मांड्या कर्नाटक में पाया गया है। प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशंस आर शुष्क परिस्थितियों में विकसित होने वाले पौधे कौन हैं? जेरोफाइटस, मेसोफाइटस, लिथोफाइटस या हाइड्रोफाइटस, तो शुष्क परिस्थितियों में विकसित होने वाले जो पौधे हैं वो कौन हैं? जेरोफाइटस हैं, क्या बच्चों, जेरोफाइटस हैं, जो शुष्क पदार्थ में, शुष्क परिस्थितियों में, ड्राई कंडीशन में ये होते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीनेज, प्रोटीन से बने वायरस का जो बाहरी आवरण है
बाहरी भाग है वो किसका बना होता है, कैप्सिड का, कोट का, वीरियोन का या ऑलब्दीज का? तो ये सर जो वायरस का जो बाहरी आवरण है वो कैप्सिड का बना होता है भैया, कोरोना वायरस। वायरस जैसे ही पढ़ते हैं दिमाग में एक ही नाम याद आता है, कोरोना। क्या नाम आता है, एक ही नाम याद आता है दिमाग में, कोरोना। क्या आता है बच्चों, कोरोना। सर रेडिस क्या है, मूली क्या है, कंद, प्रकंद, मॉडिफाइड रूट या कोई नहीं? तो ये क्या है सर, रूपांतरित जड़। मूली, गाजर, बीट, ये सब क्या है, रूपांतरित जड़ हैं। क्या है, रूपांतरित जड़ हैं। मोस्ट अबॉन्डेंट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी आर, हमारे शरीर के जो अधिकांश ऊतक हैं वो मस्कुलर हैं, कनेक्टिव हैं, एपिथेलियल हैं या कोई नहीं है? तो हमारे शरीर के अधिकांश ऊतक जो हैं वो मस्कुलर टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल की बात करें तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हाल ही में संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है, गंगा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या कृष्णा डेल्टा? तो ये होगा कावेरी डेल्टा को हाल ही में विशेष एग्रीकल्चर रीजन या विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्धमान बंदरगाह को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? चलिए नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र, वर्धमान बंदरगाह को महाराष्ट्र में स्थापित करने की अनुमति दी है। तो कोस्टल राज्य कितने हैं बच्चों, तटीय राज्य कोस्टल स्टेट कितने हैं, 9। तो गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबके सब क्या है, तटीय राज्य है। कौन सी नदी दो बार भूमध्य रेखा को काटती है या पार करती है, नील, अमेजन, कांगो और लिम्पोपो? आप कंफ्यूज करेंगे लेकिन किसमें, कांगो है और लिम्पोपो है, तो क्या होगा, कांगो। मैंने एक ट्रिक बताया था, याद होगा, माली कम भूखा, माली कम भूखा, यानी सर मकर रेखा लिम्पोपो, कर्क रेखा माही, भूमध्य रेखा कैंगो। कैंगो को जायरे नदी भी कहते हैं, कैंगो को जायरे नदी भी कहते हैं, तो क्या होगा, कांगो होगा। ठीक है, विश्व वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस की बात करेंगे 2 फरवरी को, 2 नवंबर की बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस, सॉरी 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बड़ा दीपिका सिंह, मालिका मुंबा। गलसुआ, मम्प्स कैसी बीमारी है, फंगस है, जीवाणु है, विषाणु है या वायरस है? तो ये कैसे बीमारी है, एक वायरल डिजीज है। गलसुआ, मम्प्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, कॉज्ड बाय वायरस।
सर कहता है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज सभी एसिड के लिए समान तत्व क्या होंगे, गौर से समझना, ऑक्सीजन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा, तो सभी एसिड के लिए जो समान तत्व है वो हाइड्रोजन है। क्या बच्चों? हाइड्रोजन है। कुकी जनजाति प्रमुख रूप से किस राज्य में पाई जाती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मणिपुर? तो कुकी जनजाति कहां? मणिपुर में पाई जाती है। कुकी जनजाति बच्चों कहां है? मणिपुर में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन? तो सिगरेट लाइटर की बात करेंगे तो ब्यूटेन का यूज करते हैं। सिगरेट लाइटर में किसका यूज करते हैं बच्चों? ब्यूटेन का यूज करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, 47, 48 या 52? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 है, मानव की बात करेंगे तो 46 है। चलिए, बिल्कुल ताजा तरीन क्वेश्चन, बिल्कुल जो कहते हैं ना सर गर्मा गर्म निकाल कर लाए आपके लिए, गर्मा गर्म आपके लिए निकाल कर लाए हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा तरीन क्वेश्चन क्या होगा जवाब इसका? तो ताजा तरीन क्वेश्चन का जवाब होगा राजस्थान, पहला राज्य है जो लॉकडाउन किया है। और अगर क्वेश्चन कहते हैं सर कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब है, कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब है। फिर भी गलती कर बैठे यार, देखो कई सारे बच्चे पंजाब कह रहे हैं, भगवान का होई, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा अगर ये क्वेश्चन गलती करते हो तो। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है सर, पंजाब ने तो कर्फ्यू लगाया था। बताओ कैसे गलती कर दिए। चलिए, तो अभी भारत सरकार ने लॉन्च की कोरोना कवच ऐप 7:40 में बच्चों, 10 मिनट के बाद यह वीडियो होगा, जुड़िएगा जरूर, ऐसे इंफॉर्मेशन जो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सको, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, इसलिए नहीं कि आपके मार्क्स कितने हैं, 100 क्वेश्चन में आपने राइट कितना किया, रॉन्ग कितना किया, स्किप कितना किया, और जिस बच्चे का जवाब सही होगा, ज्यादा सही होगा, उसका नाम मैं स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। अब झूठ मत बोलना आपको उसका और उसकी की कसम, ठीक है। तो मिलते हैं 7:40 वाले इवेंट में कि भारत ने कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया, जो जानकारी मैं आपको दे पाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं 7:40 वाले इवेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।